आरक्षण के मसले पर लालू नीतीश के हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार पलटवार किया है। नीतीश के गृह जिले बिहार के नालंदा की रैली में मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में आरक्षण बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकार को उनकी सरकार कभी नहीं छोड़ेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और गोवा में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन आरक्षण पर सवाल नहीं खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि वो गरीब परिवार से आए हैं और वो जानते हैं कि गरीबी का दर्द क्या होता है। पीएम ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से नीतीश जी को बहुत दिक्कत है। उनको लगता है कि एक चाय बेचने वाला गरीब का बच्चा कैसे पीएम बन गया। पीएम ने लालू नीतीश पर यह कहकर भी हमला किया कि कभी ज्ञान की नगरी माने जाने वाले नालंदा का क्या हाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बाहरी कहने वाले ये क्यों नहीं बताते कि बिहार के बच्चों को बाहरी बनने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। आज कुछ नहीं मिला, झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। हम झारखंड में राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, राजस्थान में जा राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, गोवा में राज कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई, विचार तक नहीं आया। हमने समाज को साथ लेकर के चलने का हमेशा प्रयास किया है और जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने हक दिया है, और मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिछड़ापन देखा है, इस परिस्थिति में कैसे गुजारा करना पड़ता है, इसके दर्द को मैं जी चुका हूं। और इसलिए उनकी रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैं लेकिन फिर भी अटल जी की सरकार इतना समय रही, कभी ऐसा हमने हाथ नहीं लगाया, लेकिन झूठ पे झूठ क्यों? उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे, लेकिन क्या हो गया, जो नालंदा की धरती दुनिया को पढ़ाती थी, दुनिया को लिखाती थी, दुनिया को ज्ञान देती थी, उस बिहार के नौजवान को आज पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए उसको अपना नालंदा छोड़ना पड़ता है।